हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए बिना तेल का बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। इसे आप व्रत में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप मोरधन या समा के चावल, 1/4 कप साबूदाना। दोनों को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे पीस लेंगे। हमें इसका ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, कुछ इस तरह से कि इस पाउडर में हल्का सा सूजी के जैसा दाना भी दिखे। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। साथ में डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए अलग रखेंगे। 1/2 घंटे बाद बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ग्रेटेड गाजर। गाजर अगर आप व्रत में नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून जीरा, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो, साथ में 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बैटर को इनो डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, तुरंत हम इससे नाश्ता बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन को हमने गर्म कर लिया है। पैन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और 2 बड़े चम्मच बैटर को पैन में डालेंगे। इसे अच्छे से फैलाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो ये ऊपर से ड्राई हो गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे। और अब हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से सेकना है। दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप दही के साथ सर्व करें। बहुत ही स्वादिष्ट, बिना तेल का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होता है। इसे आप व्रत में एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।